वेलकम टू स्कॉलर्स इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं सेहत बंधु और आप मेरे साथ हैं स्कॉलर्स एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेके आया हूं, जो अभी अभी हाल ही में 2 घंटे पहले एग्जाम समाप्त हुई है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों का सॉल्यूशन शुरू करता हूं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस n=1.5 को पानी n=1.33 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। तो इसका जो सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो है बी है। क्या है दोस्तों? सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो एल आर का जो परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वह होता है r/√√r² + w² l². चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर माध्य मान का अनुपात होता है। तो 3 का जो सही आंसर है वो भी है बी, 1/√2 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विद्युत चुंबक के तरंगे की संचरित की दिशा होती है। तो संचरित की दिशा जो होती है वह होती है E·V, यानी सही आंसर जो है इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का जो सही कारण जो होता है वो दोस्तों होता है, इसका सही जो आंसर है इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। तो इसका सही आंसर आपका ए है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रम से n1 और n2 है लपेटे हैं, तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा 7 का B, n2 बड़ा होता है n1 से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है हम लोगों का, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसका अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। वो जो है इसका आंसर मैं कुछ देर बाद कमेंट सेक्शन में बता देता हूं, तब तक अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि गलत मैं नहीं बता सकता दोस्तों। इस पर जो भी आपको दे रही है 100% सही जानकारी दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो आवर्तनांक होता है वह हीरे का होता है। किसका होता है? हीरा का। सही आंसर हीरा है, यानी डी, 9 का D। 10th का बुलिये व्यंजक जो 10th का है, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है, तो नैंड गेट का बुलियन जो व्यंजक होता है वो 10 का सही आंसर यहाँ पे डी है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो होती है स्थिर। अनुचुंबकीय पदार्थ स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती धारा आरा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होता। तो धारा का वाटहीन घटक होता है I sin φ, जिसका सही आंसर 12 का C है। क्वेश्चन नंबर 13, बस आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व होता है कूलम मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, यानी 13 का सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सामान्यतः समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरदर्शक क्षमता जो होती है, इस 14 का सही आंसर है ये -F0/FE। अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 है, एन आवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वह होता है n-1 × a। इस 15 का सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन है, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्बों यदि श्रेणी क्रम में जोड़े हो जाए तो और उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो सम्मिलित शक्ति जो इसकी होगी वो होगी 100 वाट। इसकी सम्मिलित शक्ति होगी दोस्तों 100 वाट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि 100 वोल्ट तथा आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की जो धारिता है वो होगी E 2×10⁻⁴F, यानी बी। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो
बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है निस्टिगमेटिका, यानी इसका जो सही आंसर है सी है। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है शून्य, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएच में यदि किसी ऊर्जा चुंबकीय सुई को दोलन करती रहती है, तो इसकी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का डी, बीस का डी। 21 नंबर किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगराग जो होता है, तो तरंगराग जो होता है इसका 21 का जो सही आंसर है ए, गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन डायनेमो के कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो विद्युत चुंबक के, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है विद्युत के प्रेरण पर। इसका 22 का सही आंसर भी, 23 का क्वेश्चन चलते लेमडा लेमडा तरंग दीवार में फोटोन की ऊर्जा होती है, तो इसकी ऊर्जा जो होती है SC बटा लेमडा, सही आंसर 23 का भी। 24 का जो सही आंसर है ए वैद्युत द्विध्रुव निरीक्षय स्थित में विद्युत ध्रुव का व्यंजक होता है, तो इसका जो सही आंसर है 24 का जो है सही आंसर शून्य होता है। प्लस 10 सी एवं माइनस 10 सी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर के दूर पर रखे हैं, निकाय की वैद्युत स्थित होगी, तो इसका जो सही आंसर है 25 का, इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो नमन कोण पर पृथ्वी के चुंबक के 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, तो इसका जो मान होता है 27 का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग 28 का जो सही आंसर है वो आपका है बी, अर्धायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति से होती है, 29 का सही आंसर है सी, वी स्क्वायर बाई आर। 29 का जो सही आंसर है वो वी स्क्वायर बाई आर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है, तो आयाम अधिमिश्रित में इसका मैं कुछ देर के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा, तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए। और आपने तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सबसे पहले आंसर की आपको ला के देता हूँ और बाद में मैं इससे और इंग्लिश का बेहतर तैयारी करवाऊँगा, इसीलिए नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसको दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और वीडियो आप देख सकें। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ थोड़ी देर में। दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डी तथा +15 तो संपर्कित संयुक्त करने का समय यानी कि फोकस दूरी होगी, तो इसकी 31 का जो सही आंसर है वह बी है, -10 सेंटीमीटर। 32 क्वेश्चन एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 32 का जो सही आंसर है आप लोगों का बी। 33 का क्वेश्चन नंबर किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश दिए गए हैं तो संपूर्ण पृष्ठ में वाला विद्युत फलस कितना होता, तो विद्युतीय फलस जो होगा 33 का भी सही आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 33 का भी। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधार कर तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, 34 का जो सही आंसर होता है वो होगा अब बी, यानी दुगुना होता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है। चलिए दोस्तों यह वीडियो समाप्त है। आप लोग अपना अपना आंसर नीचे बताएं आप लोगों का कितना करेक्ट है, और यह भी बताएं कि इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन गलत लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ओके धन्यवाद, मिलते हैं केमिस्ट्री में अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब है, क्योंकि आप लोग मेरी मदद करें तो मैं भी वीडियो जल्दी बनाता रहूँगा।